हे गाइस, वेलकम टू आइकॉनिक साइंस। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक टेबल लैंप और उसको हम कंट्रोल करेंगे रिमोट के मदद से। सो लेट्स गो। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें चाहिए कुछ कार्डबोर्ड, और इस टाइम मेरे पास कोई भी कार्डबोर्ड नहीं था, इसीलिए मेरे पास जो ट्राइपॉड का कवर था उसको मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों, मैं कुछ जरूरी मार्किंग करने वाला हूँ, और इसके लिए मैं साइड से लेने वाला हूँ 1 सेंटीमीटर, और जो टॉप और बॉटम वाला जो हिस्सा है वहाँ से लेने वाला हूँ मैं 2.5 सेंटीमीटर, और इसके लिए मैं मार्कर का इस्तेमाल करने वाला हूँ। आप देख रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हो, पेंसिल या मार्कर कुछ भी आप ले सकते हो। अब दोस्तों, इस जो पॉइंट लिया है उस पॉइंट को हम जोड़ेंगे, और जोड़ने के लिए हम स्केल और मार्कर का इस्तेमाल करने वाला है। इसके बाद दोस्तों, जितने भी सारे मार्क किया है सारे मार्क को एक एक करके काटेंगे, क्योंकि इस मार्क को यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम बाद में इसका इस्तेमाल करने वाले हैं। इसको काटने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। Here we go. इसके बाद दोस्तों, मैं कुछ LED लूंगा, और ये RGB वाला स्ट्रिप LED है। ये मेनली 3 कलर में जलती है, रेड, ग्रीन और ब्लू। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहाँ से खरीद सकते हो। दोस्तों, आप चाहो तो इसको लोकल इलेक्ट्रॉनिक शॉप से भी खरीद सकते हो, क्योंकि वहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा। अब दोस्तों, मैं स्ट्रिप LED को इसके साथ चिपकाने वाला हूँ, और इसको चिपकाने के लिए इसके पीछे वाला जो हिस्सा है इसको हम निकालेंगे, और इसको हम ऐसे चिपकाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा वाला हिस्सा है इसको मैं पूरा रखना चाहता हूँ, इसको मैं काटना नहीं चाहता, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर राउंड करने वाला हूँ, और राउंड करके आप देख सकते हो ऐसे रखने वाला हूँ। और इसको होल्ड करने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि अगर इसको मैं ग्लू गन से नहीं ग्लू दिया तो ये इधर उधर जा सकता है। इसके बाद दोस्तों, मैं यहाँ पे छोटा सा होल करने वाला हूँ, और इस होल के अंदर मैं इसका जो बाकी पार्ट है, एल्स वाला पार्ट है, उसको मैं इसके अंदर डालेंगे, और इसको डालने के बाद मैं इसको फेविक्विक की मदद से सील करने वाला हूँ। इसके बाद दोस्तों, कार्डबोर्ड का जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट था जिसको हमने काट चुका था, इसको हम यूज करेंगे अब। इसके बाद दोस्तों, इसको भी हम मार्क करेंगे, और मार्क करने के लिए हमने 11 सेंटीमीटर करके गैप दिया है। इसके बाद इसको हम काटेंगे। इसके बाद दोस्तों, मैं इसको जोड़ने वाला हूँ, और इसको जोड़ने के लिए इसके ऊपर मैं इसको ऐसे रखूंगा, और इसके बाद इसको मैं ग्लू गन से जोड़ दूंगा। अब चाहे तो सुपर ग्लू और इंस्टेंट ग्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, जोड़ने के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो एंगल है वो 90 डिग्री बना रहे, वरना इसका जो लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा। इसके बाद दोस्तों, मैं फिर से कार्डबोर्ड का टुकड़ा लूंगा, और इसको मैं ऐसे काट लूंगा। इसके बाद दोस्तों, इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, और चिपकाने के लिए हम यूज करेंगे फेविक्विक, क्योंकि ये इंस्टेंट ग्लू का काम करता है, ये जल्दी से चिपक जाता है। इसके बाद दोस्तों, हम लेंगे कुछ A4 पेपर, और ये मेरा घर में पड़ा हुआ था। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी बुक शॉप पे जाइए, और 2 रुपया में 2 मिल जाएगा। दोस्तों, इसके ऊपर हम 8 सेंटीमीटर करके मार्क करेंगे, क्योंकि ये वाला जो विड्थ है कार्डबोर्ड का जो विड्थ है उसका सेम होना चाहिए, और इसको हम काट लेंगे।
इसके बाद दोस्तों जो काट किया हुआ पेपर है इसको हम इसके ऊपर चिपकाएंगे, और इसको चिपकाने के लिए हम लेंगे फेविकॉल। इसके बाद दोस्तों फेविकॉल को इसके ऊपर ऐसे देंगे, और इसके बाद वो जो पेपर वाला हिस्सा है इसको इसके ऊपर चिपकाएंगे। दोस्तों इसका चारों तरफ इसको चिपकाने के बाद आप देख सकते हो ये बहुत ही शानदार और बढ़िया बन चुका है। इसके बाद दोस्तों हम कुछ ब्लैक पेपर लेंगे और इसको हम ऐसे मार्क करेंगे, और मार्क करने के बाद इसका जो साइड वाला हिस्सा है उसमें 1 सेंटीमीटर करके गैप दिया है, और जो मिडिल वाला हिस्सा है वहाँ पे 6 सेंटीमीटर गैप दिया है। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर मैं कुछ एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन करने वाला हूँ, और इसको कंप्लीट करने के बाद इसका ड्राइंग कुछ इस तरह आएगा। दोस्तों आप चाहे तो अपना हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हो, अगर दोस्तों आपको ये डिज़ाइन अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना। इसके बाद दोस्तों हम इसको काट लेंगे, और दोस्तों इसको काटने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। इसके बाद दोस्तों इसके ऊपर हम कुछ फेविकॉल का लेयर लगाएंगे, और इसको हमने मेन बॉडी के साथ चिपकाएंगे। दोस्तों इसको चिपकाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा, लेकिन इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा बहुत गैप रह चुका है, और इसको हमने फिक्स करने के लिए 2 सेंटीमीटर करके कुछ टुकड़े लेंगे, और दोस्तों इसको हमने फेविकॉल की मदद से इसके ऊपर सील कर देंगे। दोस्तों इसका जो टॉप वाला हिस्सा है वहाँ पर भी हमने सेम तरीके से किया है। दोस्तों हमने फिर से कुछ ब्लैक पेपर के टुकड़े लेंगे, और इसको हमने फिर से फेविकॉल के मदद से इस जो बॉक्स बनाया था इसके ऊपर हमने चिपकाएंगे। और दोस्तों इसके ऊपर भी हम एक होल करेंगे, और इसका जो साइज है और उसका जो साइज है ये दोनों सेम होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये जो मेन बॉडी वाला पार्ट है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इसको रखने के टाइम पे ध्यान रखना पड़ेगा जो स्ट्रिप LED के एंड वाला पार्ट है वो इसके अंदर ठीक से चला जाए। इसके बाद दोस्तों इसको हमने चिपकाएंगे, और चिपकाने के लिए हम यूज करेंगे फेविक्विक। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे छोटा सा कार्ड लगाएंगे, क्योंकि यहाँ से अंदर का जो सर्किट होगा उसका जो तार यहाँ से बाहर जाएगा। अब दोस्तों इसका यूज करेंगे, और मेरे जो हाथ में है ये है स्ट्रिप्ड LED ड्राइवर, और इसके साथ है एक रिमोट, और ये दोस्तों स्ट्रिप्ड LED के साथ ही मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों ये जो ड्राइवर है इसको हम लेंगे, और यहाँ पर जो इसका सॉकेट है इसका अंदर इसको कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों हमने ग्लू गन लेंगे, और यहाँ पर जो ड्राइवर है इसको हमने इस बॉक्स के साथ अटैच कर देंगे। इसके साथ ही दोस्तों जहाँ पे तार निकला हुआ है इसको भी हमने ग्लू गन की मदद से फिक्स कर देंगे। और दोस्तों लास्ट में हमने फिर से कार्डबोर्ड का टुकड़े लेंगे, और इसको हमने इसके साथ अटैच कर देंगे ताकि अंदर का जो पार्ट्स है वो अंदर में बना रहे। और दोस्तों इसके साथ ही हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। अब टेस्ट करने की बारी है। अब दोस्तों बारी है पावर देने की, और दोस्तों आप देख सकते हो कि पावर देने के साथ साथ ये जल चुका है। दोस्तों इसको रिमोट के साथ भी हम ऑपरेट कर सकते हैं, और इसका कलर चेंज करके देखते हैं कैसा होता है। दोस्तों आपने देखा एक स्ट्रिप लाइट की मदद से हमने कैसे एक ब्यूटीफुल टेबल लैंप बनाया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी कर देना।